जी अंदर करने जैसा ये सिक्योरिटी कोड डाल रही हूँ मैं अपना, ये मैंने डाला। जो ये मोबाइल है ये नोकिया E5 है और इसमें जो स्क्रीन रीडर है वो एलिक्वेंस है, टॉक्स एलिक्वेंस। सॉफ्टवेयर का नाम है टॉक्स और ये सब कुछ इंग्लिश में बोलता है। मैंने इसमें US इंग्लिश सेट कर रखी है। अभी मैंने आप लोगों के लिए स्पीड कम की है ताकि शायद आप लोग को इसकी लैंग्वेज समझ में आ जाए। इस वजह से अब जैसे मुझे व्हाट्सएप चलाना है तो मैंने की पे उसको सेट कर रखा है, लेफ्ट एरो की पे। जैसे ही मैं लेफ्ट एरो की प्रेस करूँगी वैसे ही मेरा व्हाट्सएप ओपन हो जाएगा। ये सेकेंड, ये चैट्स खुल गई, ठीक है। ये फेवरेट्स में मेरे 368 कॉन्टैक्ट्स हैं, ये सबके नेम्स आ गए, ठीक है। ये जो है ये कॉन्टैक्ट लिस्ट है मेरी और ये मेरा स्टेटस वाला प्रोफाइल, और वो देखना हो अगर अपने को फॉर एग्जांपल चैट करनी है। अब मुझे अगर चैट करनी है, ठीक है, ये अगर फॉर एग्जांपल जुनेद से, तो मैंने JU टाइप करा, मेरी लिस्ट में जुनेद ऊपर था, ये आ गया, मैंने इस पर क्लिक किया। अब यहाँ क्लिक किया और अब मुझे यहाँ जो भी लिखना होगा मैं वो लिखूँगी, ठीक है, फिर वो लिख के सेंड कर दूँगी तो वो हो जाएगा। इसी तरीके से मैं इसमें, अब मैं इसको एग्जिट कर रही हूँ, ये मैंने एग्जिट किया। अगर मुझे कॉन्टैक्ट खोलना होते हैं तो इस तरीके से मैं कॉन्टैक्ट खोलती हूँ। फॉर एग्जाम्पल वसीम भाई को कॉल करनी है तो ये WAS टाइप किया। अब इसमें वसीम भाई के इरा वसीम अहमद लिखा हुआ है, वसीम इरा वसीम भाई FA, जितने भी मेरी कॉन्टैक्ट लिस्ट में वसीम नाम के लोग हैं उसमें ये सब आ गए। अब जिसको मुझे कॉल करनी है, ठीक है, अगर इन्हें कॉल करनी है तो मैं इस पर कॉल की दबाई, ये कॉल चली जाएगी, ठीक है। अगर मुझे डिस्कनेक्ट करनी है मैं इससे डिस्कनेक्ट कर दूंगी कॉल। ग्रुप चैट कैसे लिखते हैं? हाँ, तो मेरा ये जो ग्रुप बना रखा है, एक सेकेंड, कौन सा वाला, ये रहा, ये ब्लाइंड स्टार फॉर वुमेन करके ये ग्रुप है, जैसे ये बना हुआ है। अभी इसमें मैं क्लिक करूँगी तो ये जितने भी चैट्स हैं ऊपर सबकी हैं। अगर मुझे कुछ लिखना है मैं यहाँ लिखूँगी, सेंड करूँगी, जैसे मैंने सबको ठीक है। हाँ मैं कर रही हूँ ना, सेंड हो गया। ये अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, ये सबको पहुंच गया आप ग्रुप में। जी तो जैसे ही यहाँ पे मैं क्लिक करूँगी तो वो रिप्लाई को पढ़कर बताएगा सॉफ्टवेयर। बस मैं ये आप एरो के क्लिक प्रेस करूँगी और वो रिप्लाई बताएगा, नेम बताएगा जिसका भी आ रहा है। ब्रेल लिपि से तो पढ़ लिया जाता है, पढ़ने की दिक्कत हो जाती है, लेकिन फिर भी बहुत सारी परेशानियाँ होती है। इतना फास्ट जमाना है, जो नाबीना है, वो लोग कैसे करते हैं? नहीं, कंप्यूटर्स का आजकल टेक्नोलॉजी ने हमारे लिए काफी काम किया है, तो हम लोग जो है ज्यादातर अब डिपेंडेंसी जो है वो सिर्फ टेक्नोलॉजी पर हो गई है। मतलब कि सारी चीज़ें अवेलेबल है, जैसे कि आप लोग एंड्रॉइड्स यूज़ करते हैं, हम लोग भी एंड्रॉइड्स यूज़ कर सकते हैं। उसमें टच स्क्रीन में भी सॉफ्टवेयर डला हुआ आता है जिसे हम यूज़ करते हैं। अगर नेविगेशन जैसे आप लोग देखते हैं कहीं जाना है तो उसमें हमारा वॉइस स्क्रीन रीडर है, सपोर्टेड है, वो कंप्यूटर में यूज़ करती हूँ पूरा, हम और हमारे स्टूडेंट सभी करते हैं। टेक्नोलॉजी मतलब पूरा एक उसके अंदर इंटरनेट चलाना है, फेसबुक चलाना है, चैटिंग करना है, एटलीस्ट कुछ सॉन्ग सुनना है, डाउनलोडिंग करना है, मतलब सारे काम जो आप लोग कर सकते हैं वो हम लोग भी कर सकते हैं। और टेक्नोलॉजी ने इसको बहुत आसान कर दिया, जो मुश्किल थी उन मुश्किल को टेक्नोलॉजी ने बहुत आसान किया। देखिए सबसे बड़ी परेशानी और मुश्किल तो ये है मुस्लिम कम्युनिटी में कि वो अपने बच्चों को किसी भी नाबीना सेंटर के ऊपर भेजना ही नहीं चाहते, तो इनको जो इकट्ठा करने का काम था वो